चंदौली से मोहम्मद इसरार पत्रकार की रिपोर्ट। चंदौली में अनियंत्रित बस बिजली के पोल से टकराकर नहर में पलटी। जनवादी पार्टी की रैली में बिहार के भभुआ से पार्टी कार्यकर्ता शामिल होने जा रहे थे। लखनऊ चकिया चंदौली मार्ग पर बस अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराई। बस पलटने के बाद उसमें सवार 2 दर्जन लोग हुए गंभीर रूप से घायल। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मनोज कुमार मातहतों के साथ मौके पर पहुंचे। घायलों को बस से निकलवा कर इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजवाया। शहाबगंज थाना क्षेत्र के साड़ी मुरकौल गांव के पास का है पूरा मामला।